दोस्तों एक 10 से 12 साल का छोटा सा लड़का हर रोज एक ही बात सोचता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक बड़ा सा बिजनेस कर लूंगा और बड़े से घर में रहूंगा और एक बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और मजे से जिंदगी जीऊंगा। कुछ साल बीतने के बाद लड़का 20 साल का होता है और उसकी स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती। फिर वह सोचता है मेरी कॉलेज लाइफ पूरी हो जाए और डिग्री मिल जाए तो फिर मैं एक बड़ा सा बिजनेस करके ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। अब उस लड़के की कॉलेज लाइफ भी पूरी हो जाती है और डिग्री मिल जाती है। फिर वह सोचता है कुछ दिन मैं किसी कंपनी में काम कर लेता हूँ, कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद फिर अपना खुद का बड़ा बिजनेस करूंगा और बड़ी गाड़ी में घूमूंगा और अच्छे से लाइफ जीऊंगा। दोस्तों और ऐसे ही सोचते सोचते उसे पता भी नहीं चलता उसके जीवन के 40 से 50 साल कब निकल गए और उसकी आधी से अधिक उम्र निकल चुकी है और वह बूढ़ा हो रहा है। कुछ सालों बाद उसका रिटायरमेंट है और मन ही मन वह सोचता है जो मैंने सोचा था वह सारी चीजें मैं चाहता तो कर लेता, लेकिन मेरी अब उम्र निकल चुकी, मेरे पास अब समय ही नहीं है और कुछ सालों बाद ही मैं मर जाऊंगा और यह जिंदगी दोबारा नहीं मिली और मैंने अपना यह लास्ट चांस गवा दिया। और यही सोचते सोचते आम लोगों की तरह अपने बुढ़ापे की जिंदगी जीता है। दोस्तों यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं, यह कहानी आपकी भी हो सकती है और मेरी भी हो सकती है। यह कहानी हर इंसान की हो सकती है जिससे अपने समय की कदर नहीं और जो अपना समय आज कल करके गंवा रहा है और जो सिर्फ सोच सोच कर दिन रात बड़े बड़े सपने देख रहा है। दोस्तों इस दुनिया में एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के बीच एक चीज तो कॉमन है, पता है क्या? समय। 24 घंटे उस अमीर व्यक्ति के पास भी है और 24 घंटे उस गरीब व्यक्ति के पास भी है जिसके पास कुछ नहीं है, और 24 घंटे एलन मस्क और बिल गेट्स के पास भी है। कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर टाइम पास करते हैं और कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं और कुछ खास लोग ही होते हैं जो बड़े सपने भी देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन भी लेते हैं। आप आज डिसाइड कर लीजिए कि आपको सिर्फ सोचना ही है या फिर उसे पूरा करने के लिए कदम भी बढ़ाना है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अरे यार वास्तव में कुछ बड़ा करना है तो कोई समय अच्छा नहीं आएगा और ना ही कभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। आज आप जीवित हैं, इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है? आज आप यंग हैं, आपकी उम्र 25 से 30 साल है, इससे सही समय और क्या होगा? और सही समय के इंतजार में आज का या सही समय मत जाने दो। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।